ले तो हमारा मुल्क सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल है। अगर वो पावर किधर है फिर? मुसलमान का तो काम है मुसलमान को आजाद कराना। तो कैसे आजाद कराएंगे? तो लड़ाई के साथ आजाद कराएंगे। लड़ाई चार जंगे लड़ चुके हैं, क्या फायदा? तीन जंगे लड़े। नहीं ना, लड़े सही, सही नहीं लड़े। सही कैसे लड़नी चाहिए? जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुसलमान 10 काफिरों पे हावी है। अच्छा, 10 काफिरों पे हावी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहा? ये हमारे ईमान का हिस्सा है। सही, क्यों नहीं आप कर सकते? कर सकते हैं। मौत तो एक दफा आनी आनी है जिंदगी में, मरना हो रहा है वहाँ पर। आप ना ही पूछे कितना जुल्म हो रहा है। अगर हमारी आर्मी चाहे ना तो सब कुछ हो सकता है। अगर हमारे हुक्मरान चाहे तो हमारे जितने भी हमारे काफी इस्लामी मुल्क हैं अगर मिलके चलें तो। सर, इस्लामी मुल्कों ने तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट किए कश्मीर के अंदर। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर साथ चलें, उनको बचाएं, उनको आजादी दिलाएं। अच्छा। मकसद ये बात करने का, पैसे तो लाना। क्या उनको नजर नहीं आ रहा मुसलमान मुल्कों के वहां पर जुल्म हो रहा है? सबको पता है दोस्तों, एक पाकिस्तानी को जब ये पता चला कि दुबई, कतर, ओमान और सऊदी अरब ने मिलकर 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कश्मीर में किया है, तो वो बोलने लगा कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है, हमारा पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, अगर चाहे तो बड़ा मुल्क बन सकता है। और इंडिया के बारे में कुछ लगा उल्टा अनाप शनाप बोलने, तब रिपोर्टर ने उसे समझाया तो वो बेचारा मान गया। उसके बाद में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की है। तो दोस्तों आइए देर ना करते हुए चलिए वीडियो देख लेते हैं कि उस पाकिस्तानी ने पहले क्या बोला, उसके बाद में उसने क्या बोला। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दुबई, सऊदी अरब मुसलमान मुल्क कश्मीर के अंदर, क्या उनको नहीं पता कि कश्मीर में क्या होता है? वो क्यों नहीं साथ देते मुसलमानों का? यार मेरी बात सुनो ना, हमारा माशाल्लाह जितना भी हमारा माशाल्लाह बहुत मुल्क बड़ा है हमारा, ठीक है। और हमारा अगर हम खुद अगर ईमानदारी चले ना, ईमानदारी चले, हमारा मुलाजम चले, तबका चले, तो हमारा मुल्क सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल है। अगर वो पावर किधर है यार? पावर अब लोगों की है नहीं ना मेरा भाई। अब हम दोनों को लगा लेते हैं, ठीक है। आपका जहन और मेरा जहन और, ये तो अल्लाह की कुदरत है ना, सबके जहन हो रही है, ठीक है ना। तो आप अगर मेरे पे नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते, नहीं कर सकते ना, नहीं। तो इसलिए जो बाहर बाहर के आते हैं ना, वो करते हैं, वो कमाते हैं, कमा के चल जाते हैं। कश्मीर के अंदर, कश्मीर हमारी कश्मीर में नहीं, इंडिया वाली साइड कश्मीर, जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर 32,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पर। आप ना ही पूछे कितना जुल्म हो रहा है। अगर हमारी आर्मी चाहे ना तो सब कुछ हो सकता है। अगर हमारे हुक्मरान चाहे तो हमारे जितने भी हमारे काफी इस्लामी मुल्क हैं अगर मिलके चलें तो। सर, इस्लामी मुल्कों ने तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट किए कश्मीर के अंदर। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर साथ चलें, उनको बचाएं, उनको आजादी दिलाएं। अच्छा। मकसद ये बात करने का, पैसे तो लाना। उनको नजर नहीं आ रहा मुसलमान मुल्कों के वहां पर जुल्म हो रहा है? सबको पता है। तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करते? ये तो आप अल्लाह बेहतर जानता है, उसका कुछ नहीं कर सकते हम। आप किसी मुल्क पे अटैक नहीं कर सकते ना, मसला ये। क्यों नहीं अटैक कर सकते? जाहिर बात है, हम अगर करेंगे तो उठाए जाएंगे, सब उठाए जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। यहाँ पर आपने बात की कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म होता है, अगर जुल्म होता तो क्या मुसलमान मुल्क के अलावा इंसानियत दुनिया में नहीं है? फलस्तीन के लिए पूरी दुनिया आवाज उठवा रही, तो क्या कश्मीर के लिए आवाजें ना उठाती? यार उठाते हैं, लेकिन फलस्तीन के लिए भी लोगों ने आवाजें उठाई हैं, लेकिन गया कोई नहीं। सब ने बोला ही, सब ने, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। सर, तीन जंगे तो लड़ी है इंडिया कश्मीर के नाम पे हमने, इंडिया के साथ। भाई वो लड़ी तो है, लेकिन उसका हासिल क्या आया? नुकसान हो रहा है। हाँ जी, नुकसान। पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, इंडिया तरक्की कर रहा, पाकिस्तान कर रहा है। वो हमारे से बहुत आगे भाई, हमारे उसकी करेंसी भी आगे हमारे से। तो कैसे आगे निकल गए वो? यार वो मिलके चलते हैं। फिर मुसलमान का तो काम है मुसलमान को आजाद कराना। तो कैसे आजाद कराएंगे? तो लड़ाई के साथ आजाद कराएंगे। लड़ाई चार जंगे लड़ चुके हैं, क्या फायदा? तीन जंगे लड़े। नहीं ना, लड़े सही, सही नहीं लड़े। सही कैसे लड़नी चाहिए? जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुसलमान 10 काफिरों पे हावी है। अच्छा, 10 काफिरों पे हावी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहा? ये हमारे ईमान का हिस्सा है। सही, क्यों नहीं आप कर सकते? कर सकते हैं। मौत तो एक दफा आनी आनी है जिंदगी में, मरना मरना है। तो कश्मीर हासिल करके मरते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। सही, तो सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी तो मर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब फरमाया था ये कि एक मुसलमान 10 हिंदुओं पर काफिरों पर हावी है? नबवी मुझे याद नहीं है, लेकिन है ये। अच्छा, जब आपने भी तो अपने जमाने में जंगे लड़ी अपनी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तब उस टाइम के जो ईमान थे अब हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम की टेक्नोलॉजी के मुताबिक बराबर थे? आप ही टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को छोड़े, अब टेक्नोलॉजी तो 1400 साल पहले भी आ चुकी थी। क्या आ चुकी थी? उसमें तो टेक्नोलॉजी थी उनके पास, नई टेक्नोलॉजी थी। तो फिर उन्होंने जंगे जीती नहीं, टेक्नोलॉजी है ना, आप कैसे जीते जंगे? वो जीती नहीं है, अब टेक्नोलॉजी है, कैसे जंगे जीतेंगे? टेक्नोलॉजी के हिसाब से जीते, क्यों नहीं? अब जो अरबाब इख्तियार है उनको पता है सारा, क्यों नहीं करते? तो सर अपने पेट पाल रहे हैं, तो हम और तुम मर रहे हैं इधर। हम और तुम इसीलिए मर रहे हैं, हमारे दिमाग में नफरतें हैं, हमारे दिमाग के अंदर दूसरों को खत्म करने की वो साजिशें हैं।
आपके दिमाग के अंदर जब तक बदला लेने की ताकत मौजूद है आपके दिमाग के अंदर ये सोचते रहोगे कि मैंने उससे बदला लेना, वो बदले की सोच आपको कभी कामयाबी होने नहीं देगी। तो हमारे अंदर वही तो सोच है, जज्बा होना चाहिए कि वो भी मुसलमान है, उसकी भी मैंने मदद करनी है, मैं अपनी भी मदद करनी है। आपको नहीं लगता पहले हम अपने मुल्क को देख लें, पहले पाकिस्तान के हालात ठीक कर लें, उसके बाद कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए? क्यों नहीं देखना चाहिए? पाकिस्तान के तो हालात इन्होंने खुद खराब किए हुए। अच्छा, हाँ, कोई किसी चीज की कमी है सर? क्या दुनिया की हर चीज है, मौजूद है। मुसलमान मुल्क क्यों नहीं बोलते कश्मीर के बारे में? उनके तो अपने इंटरेस्ट है। किन के साथ? वर्ल्ड के साथ, उनके किसी इंडिया के साथ। इंडिया के अंदर यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया ने पता कितने इन्वेस्टमेंट किया? सर 32,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की है सऊदिया, कतर और यूएई ने। हाँ जी, की है। तो वो तो बोलते ही नहीं है। लड़ेंगे कौन? वो तो फलस्तीन की भी मदद नहीं कर रहे। हाँ, वो उनके बिल्कुल साथ ही है। हाँ, क्यों नहीं कर रहे? तो पैसे को किधर लेके जाएंगे? हाँ, मर जाएंगे, पैसा तो फिर रह जाएगा इधर ही। सर इसराइल एक नुक्ते के बराबर मुल्क है, पूरी दुनिया के नाक पे दम किया हुआ मुसलमानों की, 57 कंट्रीज मुसलमान की, कुछ भी नहीं कर पा रही उसके आगे। क्यों नहीं कर पा रही? नहीं है जज्बा, नहीं ईमानी सर। मैं कहता हूँ जज्बा नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इल्म नहीं है, पावर नहीं है। ओ भाई, पैसा क्यों नहीं है? पैसा इनके साथ कितना पैसा है? इनके पास के पास कितना पैसा है? जरदारी के पास कितना पैसा है? सर मैं कहता हूँ वहाँ की, आप जरदारी के पास एक फेसबुक के पेज के बराबर भी पैसा नहीं है। फेसबुक पता किसकी है? फ्रेंड्स भी तो हमारे ही भाई है, पहले तो हम एक ही थे। हाँ जी बिल्कुल, तो एक हो जाना चाहिए। आप मामला कश्मीर का हाल करके बीच में नफरतें खत्म कर लेनी चाहिए। ये तो अच्छी बात, अगर कर दे तो अच्छी बात है। सही बात है। तो आप क्या चाहते हो, कोई मैसेज दे दो इंडियंस को भी जो वहाँ पर रहते हैं कि भाई हम आपसे नफरत नहीं करते, हम आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहते। हम आपसे दुश्मनी नहीं करते, हमारे आप भाई हो, अगर मिलके चले आपकी हुकूमत हमारी हुकूमत तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे हो सकते हैं। सही बात है। तो वीडियो आप लोगों ने देखा, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा मुजम्मिल भाई को कि भाई 32,000 करोड़ रुपए को अगर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1,00,000 करोड़ से ज्यादा होगा, वो 1,000 करोड़ नहीं। तो शायद मुझे लगता है कि आपको अनाउंस करने में, बोलने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो गया होगा। लेकिन भाई एक बात, मैं लास्ट में जो आपने कहा कि हम आपके भाई हैं, मिलजुल के काम करते हैं, तो देखो 1947 से लेकर आज तक हम लोगों ने आपके साथ में काम किया, लेकिन आप लोग हमेशा कभी भी हमारे लिए और हमारे देश के लिए कभी भी अच्छा काम नहीं किया। हमने हमेशा हाथ बढ़ाया, यहाँ तक कि 1998-99 में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर आपके लाहौर गए थे, जो कि दोस्ती की एक मिसाल और आशा की अमन जो एक बस का जो एक पैगाम लेकर गए थे। लेकिन उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद आप लोगों ने 2000 में हमारे पार्लियामेंट पर अटैक किया, 26/11 का अटैक किया, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे छिटपुट बहुत सारी घटनाएं हुई। आप लोगों ने कश्मीर में बहुत बड़ा एक घटना को अंजाम दिया। तो इतने सारे घाव को लेकर अब इंडिया, भारत और भारत का प्रशासन, भारत का जो भी आम जनमानस है, वो आपके साथ अब काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने विश्वास को तोड़ दिया है। अगर आप लोगों को भारत का विश्वास जीतना है तो आपके देश में जितने भी मोस्ट वांटेड है भारत के, उन सभी को आप लोग भारत के हाथों में सौंप दो। उसके बाद में आओ, एक विश्वास जगाओ, भारत को वो विश्वास दिलाओ कि नहीं, अब हम सुधर गए हैं और आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, तो शायद हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। जर्मनी की दीवार जब गिर सकती है, पश्चिम जर्मनी और पूर्व जर्मनी एक हो सकता है, सारा यूरोप एक हो सकता है, जो कि एक टाइम में सारा यूरोप आपस में लड़ा करता था, जिसके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। तो वो सारे के सारे अपने दुश्मनी को भुलाकर एक हो सकते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान भी एक हो सकता है। तो इसके लिए पाकिस्तान को सबसे पहले कदम उठाना पड़ेगा, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसने पिछले 77 सालों में क्या गलतियां की है, उन सारे गलतियों को सुधार कर भारत का विश्वास जीतकर, भारत को कोई नुकसान ना पहुंचे, इन बातों को ख्याल रखकर अगर पाकिस्तान आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अपनी पिछली रवैयों के तरह एक हाथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे और एक हाथ में आप खंजर लेकर रहोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों क्या कहिएगा इन भाई साहब के बारे में? इन भाई साहब ने तो पहले बड़ी बड़ी बातें की, जब रिपोर्टर साहब ने उनको समझाया तो वो बातें मान गए, उसके बाद में वो भारत के बारे में भी अपनी अच्छी सोच रखने लगे। देखिए दोस्तों, कभी भी जब तक आप किसी को गाइड नहीं करोगे, उसे सच नहीं बताओगे, उससे कुछ नहीं पता रहता है। तो हमेशा जानकारी के अभाव में कुछ पाकिस्तानी भावनाओं में बह जाते हैं और इंडिया को लेकर बहुत ही अनाप शनाप बातें करते हैं। तो खैर छोड़िए दोस्तों, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मिलता हो किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डेली स्वाग का वीडियो है, तो जाइएगा उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।